नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर लखनादौन में, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर वाहन खड़ा था। भारी मात्रा में विस्फोटक की और कहां किस मकसद से बिछाया गया। तहसीलदार को ब्लास्टिंग और बारूद की जानकारी दी गई तो तहसीलदार के द्वारा पटवारी को मौका जांच के लिए कहा गया, किंतु पटवारी ने पुराने अंदाज में एक बार फिर तहसीलदार को भ्रमित कर दिया। ये केकर की विज पोस्ट करने का परमिशन है, लेकिन निर्माण एजेंसी कह रही हमारे पास कोई भी परमिशन नहीं है। फिर इतने यकीन और भरोसे के साथ पटवारी ने केस तहसीलदार को ये बात कहकर कार्रवाई रुकवाने का प्रयास किया गया। पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर बिछी हुई बारूद की फोटो वीडियो बनाकर पंचनामा बनाने कहकर लिखी पड़ी हुई, लेकिन बगैर हमारे सिग्नेचर लिए चले गए और आज शाम तक आरआई तहसीलदार को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। आखिर बारूद की जब्ती क्यों नहीं की गई और बारूद विस्फोट न करने के लिए क्यों नहीं कहा गया। आखिर पटवारी ने विस्फोट कराकर सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की। अब सवाल ये उठता है कि सिवनी कलेक्टर इस मामले को संज्ञान में लेकर पूरी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे। नवरात्रि चल रही है, दशहरा पर्व आने वाला है, फिर इतनी मात्रा में विस्फोटक शहर में आया कहां से और इसके पीछे क्या मकसद था, जांच का विषय है। पूरी खबर विस्तार से आगे, नाम सहित किसके संरक्षण में खेला गया, बारूदी खेल मास्टरमाइंड कौन, नेता अधिकारी मौन। ब्रिजेश शर्मा के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।